जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही लाइव। इस वक्त हम सीएम आवास में हैं और अभी से कुछ देर पहले जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लाइव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ईडी ऑफिस कार्यालय चले गए हैं और उनके साथ में उनके छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन जी ही साथ में गए हैं, ये ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन हम आपको इस समय लाइव में आने का मेरा मकसद ये था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से ईडी पर आरोप लगाए हैं और ईडी से भी कुछ सवालात पूछे हैं और वो लिखित सवाल उन्होंने कहा कि हम जा करके ईडी को हम ये लिखित में भी सौंपेंगे और उनसे कुछ हमारी चंद सवाल हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि वो लेटर जो ईडी को देने वाले हैं वो पत्र हमारे पास में है और इस पत्र के में क्या कुछ मजमून है इस पत्र का वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि ये इस पत्र में जिस तरह से लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और 17/11/2022, इसमें तिथि भी दी हुई है और उस ये लिखा गया है श्री देवव्रत झा सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय रांची क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड महोदय, विषय प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा अवैध खनन की इन्वेस्टिगेशन एवं इस संबंध में अधोहस्तछारी को दिनांक 17/11/2022 का निर्गत समन, जो समन उनको भेजा गया था उसके संबंध में। तो इनमें उन्होंने आगे लिखा है कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण प्रत्येक राज्य अवैध खनन के अभिशाप से ग्रसित हैं एवं झारखंड इससे अछूता नहीं है। अधोहस्तक्षारी झारखंड राज्य से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं एवं इस दिशा में किसी भी एजेंसी के ईमानदार प्रयास का स्वागत करते हैं। 29 दिसंबर 2019 को मेरी सरकार का कार्यभार संभालने के पश्चात मेरे नेतृत्व में पत्थर खनन से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन पिछले दो वर्ष में कोरोना के कारण खनन कार्य प्रभावित होने के बावजूद रॉयल्टी 270 करोड़ रुपया 2019-20 से बढ़कर 360 करोड़ रुपया 2021-22 राज्य को प्राप्त हुई। लगभग 20% पत्थर खनन का रॉयल्टी साहेबगंज से राज्य को प्राप्त होता है, परंतु आपके स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन स्कैम हुआ है। साहेबगंज में पत्थर के अवैध खनन से 1000 करोड़ के राज्य को राजस्व नुकसान के आपके आरोपों के संबंध में निम्नांकित तथ्य विचारणीय हैं। खनन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में पूरे झारखंड राज्य में लगभग 9 करोड़ मैट्रिक टन पत्थर का खनन हुआ, जिसमें 60% बोल्डर, 35% स्टोन चिप्स एवं 5% स्टोन डस्ट इत्यादि हैं। इस 9 करोड़ मैट्रिक टन में से करीब 20% पत्थर का खनन साहेबगंज जिला में हुआ है। राज्य को 95 रुपये प्रति मैट्रिक टन रॉयल्टी बोल्डर पर, 175 रुपये प्रति मैट्रिक टन रॉयल्टी स्टोन चिप्स पर एवं 18 रुपये प्रति मैट्रिक टन स्टोन डस्ट पर रॉयल्टी प्राप्त होता है। तीन पन्नों का ये पत्र है, आप देख सकते हैं। आगे इनमें इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इस प्रकार भारतीय औसत के आधार पर राज्य को 120 रुपये प्रति मैट्रिक टन रॉयल्टी पत्थर खनन से प्राप्त होता है। दो वर्ष में 1000 करोड़ रुपये के रॉयल्टी के नुकसान के लिए करीब 8 करोड़ मैट्रिक टन पत्थर का अवैध खनन साहेबगंज जिले में करने की आवश्यकता होगी, जो उस जिले में हुए वैध खनन का 4 गुना होता है। दो वर्षों में 8 करोड़ मैट्रिक टन पत्थर के परिवहन के लिए 20,000 से अधिक रेलवे रेक या 33 लाख से अधिक ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक रेलवे रेक की क्षमता 4000 मैट्रिक टन एवं एक ट्रक की क्षमता 25 मैट्रिक टन होती है। रेलवे बगैर माइनिंग मिनरल चलान के लोडिंग के अनुमति नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने एक भी रेलवे रेक बगैर चलान के नहीं पाया है, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी रेलवे कर्मचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
आपने बताया है कि पिछले दो वर्ष में 65,000 रेलवे रैक साहेबगंज जिले से पत्थर खनन हेतु उपयोग किए गए हैं। यदि ये सारे 65,000 रेलवे रैक अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर का परिवहन भी किया जाता है, जो संभव नहीं है, तो भी ये 8 करोड़ मैट्रिक टन खनन किए गए पत्थर का परिवहन नहीं कर सकते हैं, जिससे 1,000 करोड़ रुपये का रॉयल्टी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त दो वर्ष में 8 करोड़ मैट्रिक टन अवैध पत्थर के परिवहन के लिए प्रतिदिन 4500 ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि पूरे साहेबगंज जिला में करीब 800 ट्रक मात्र ही निबंधित एवं चालू अवस्था में है। साहेबगंज में कुछ घाट हैं जहां आप क्लेम करते हैं कि जहाज के माध्यम से अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर का परिवहन किया जाता है, परंतु उपलब्ध सभी रैक ट्रक जहाज मिलकर भी 8 करोड़ मैट्रिक टन अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर का परिवहन नहीं कर सकते, जिससे कि राज्य को 1,000 करोड़ रुपये रॉयल्टी का पिछले दो वर्ष में नुकसान हो सके। ना केवल परिवहन असंभव है, बल्कि इतने क्रशर एवं अन्य संसाधन जैसे टिपर इत्यादि साहेबगंज में कहाँ हैं, जिससे कि 4 करोड़ मैट्रिक टन प्रतिवर्ष अवैध पत्थर खनन को अंजाम दिया जा सके, जबकि साहेबगंज में प्रत्येक वर्ष अवैध खनन मात्र 1 करोड़ मैट्रिक टन पत्थर का है। किसी भी परिस्थिति में 1 करोड़ मैट्रिक टन के अवैध खनन के लिए उपलब्ध क्षमता एवं संसाधन से 4 करोड़ मैट्रिक टन अवैध खनन संभव प्रतीत नहीं होता। आप मात्र साहेबगंज में 1,000 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन का क्लेम कर रहे हैं, जबकि जैसा है कि मैंने पहले कहा है कि पूरे झारखंड राज्य को पत्थर खनन से पिछले दो वर्ष में समेकित रूप से कुल 750 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि आपने उक्त तथ्य एवं आंकड़ों का साहेबगंज में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का आरोप लगाने के पहले संज्ञान में नहीं लिया है। ईडी को बगैर तथ्यों एवं आंकड़ों का सत्यापन किए 1,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन संबंधी सनसनीखेज वक्तव्य जारी करना शोभा नहीं देता, वह भी तब तक जब पिछले करीब एक वर्ष से जांच की जा रही है एवं 50 से अधिक रेड किए जा चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने क्लेम पर पुनर्विचार करेंगे एवं सनसनीखेज बयानों से परहेज करेंगे। जो तथ्य एवं आंकड़ों के द्वारा सत्यापित नहीं हो, क्योंकि ऐसा गैर जिम्मेवार बयान न केवल राज्य के संबंधित विभाग एवं उनके कर्मियों की छवि धूमिल करते हैं, बल्कि झारखंड राज्य की छवि भी खराब होती है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने रवि केजरीवाल से मुझे अवैध खनन में फंसाने के लिए बयान दिलवाए हैं। रवि केजरीवाल जेएमएम का एक सदस्य था एवं वर्ष 2020 में निष्कासित किए जाने के पूर्व कोषाध्यक्ष का पद धारण करता था। तत्पश्चात उसके विरुद्ध जेएमएम के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। तब से रवि केजरीवाल मेरा जानी दुश्मन बन चुका है एवं मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वे मुझसे व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगाएं। ईडी के द्वारा निष्पक्ष रूप से बगैर किसी हिडन एजेंडा एवं मोटिवेट के जांच किए जाने की अपेक्षा की जाती है। मैंने संविधान को अक्षुण रखने की शपथ ली है एवं इस देश के ईमानदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन एवं कानून की मान्यता रखने के लिए आपके कार्यालय में आज निर्गत समन के अनुपालन में उपस्थित रहूंगा। भवदीय हेमंत सोरेन। तो ये पूरे 3 पन्नों का पत्र का मजमून आपने पढ़ा, जिसमें दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो वो अपने पार्टी से निष्कासित रवि केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, उद्धृत किए हैं कि उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसके बिना पर ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक जो ईडी की कार्रवाई हो रही थी 1,000 करोड़ रुपये के मामले में, अवैध खनन के मामले में उनको समन किया गया था, तो वो उसमें उनका वो जवाब है कि
जो रवि केजरीवाल थे उनके पूर्व के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं जामुमो पार्टी से, उनको निष्कासित किया जा चुका है और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण वो कोई भी बयान दे सकते हैं और हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन उन्होंने इंगित किया है मुख्यमंत्री। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये का जो खनन हुआ है साहेबगंज जिला में, तो वो बिल्कुल परे है, क्योंकि तथ्य से परे है, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर वहाँ से अवैध खनन किया भी जाता तो उसका ढुलाई नहीं संभव नहीं है, जो असंभव है। तो ये बात जो है ईडी को जारी किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उन्हें पत्र के द्वारा भी सौंपा गया है, और जो वहाँ पर ईडी के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे उस सवालों का भी जवाब देंगे। तो अब मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर अब देखना होगा कि ईडी के द्वारा उनसे क्या कुछ पूछताछ होती है और फिर ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।